आइए बेटा, आपका स्वागत है। मैंने अभी आपको एक पार्ट एनवलप का शेयर किया, पार्ट नंबर 1, और उसमें एनवलप की आपकी जानकारी मैंने आपको दी। अब मैं उसी का पार्ट 2 आपको रिलीज कर रहा हूँ। एनवलप के बारे में पहले पार्ट में आपको बताया कि यदि 1 पैरामीटर होते हैं तो उसको किस तरीके से एलिमिनेट करते हैं। एक बार उस प्रोसीजर को दोबारा हम थोड़ा सा एक क्वेश्चन के अंदर फिर रिपीट कर देते हैं। तो क्वेश्चन हम फिर बता देते हैं आपका कि फाइंड द एनवलप ऑफ द फॉलोइंग कर्व। इस इक्वेशन का आप एनवलप निकालिए, कोसेक थीटा माइनस वाई कॉट थीटा बराबर सी, वेयर थीटा इज ए पैरामीटर। पहले पार्ट जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा, प्लीज उस पहले पार्ट को जरूर देख लीजिए, क्योंकि जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ थोड़े से पहले पार्ट से रिलेटेड है। यहाँ आपको 100% आपको एक चीज जरूर दे रखी होती है कि कौन सा चीज पैरामीटर है। आपको उस पैरामीटर को ही एलिमिनेट करना पड़ेगा। एक्स कोसेक थीटा माइनस वाई कॉट थीटा बराबर, ये क्वेश्चन नंबर। तो जो भी पैरामीटर दे रखा है उसको आपको एलिमिनेट करने के 2 रूल कर बनाए गए। यदि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहा हो तो उसको बी स्क्वायर बराबर 4ac से अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे आपको जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बना रहा तो सीधे सीधे हमारा काम होता है कि पार्शियल डिफरेंशियल फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू थीटा। इसका डिफरेंशियल करा किसके रेस्पेक्ट में? थीटा के रेस्पेक्ट में। कोसेक थीटा का डिफरेंशियल कोसेक थीटा कॉट थीटा। बार बार आपको एक बात ही रिपीट कर रहा हूं कि जिन्होंने पहला पार्ट ना देखा हो प्लीज वो पहले पार्ट को देख लीजिए, तब ये ए टू जेड सारी समझ में आपकी हर बात क्लियर हो जाएगी। तो कोसेक थीटा कैंसिल, वाई बराबर एक्स कॉट थीटा, वाई अपॉन साइन थीटा, एक्स अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, तो कॉस थीटा बराबर कितना? वाई अपॉन कॉस थीटा वाई, ठीक है जी। ये थीटा है आपका, ये क्या हो गया जी आपका रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाइस, ये वैल्यू आपकी आ गई रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाइस। हमें क्या वैल्यू फाइंड करनी है? हमें निकालना है कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा आप जानते हो कोसेक थीटा क्या हो, कोसेक थीटा आपका क्या होगा जी आपका, है ना जी, कोसेक थीटा आपका होगा एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। कॉट थीटा क्या हो, कॉट थीटा क्या हो, वाई अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये सारी की सारी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रखो, इक्वेशन नंबर 1 में ये वैल्यू रखो एक्स एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई माइनस वाई वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर। तो रूट ऊपर आ गया है ना जी, कैंसिल हो गई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर किसके? ये हमारा आंसर। तो इसी क्वेश्चन का जो एनवलप निकल के आया वो हमारा कितना है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। एनवलप हमारा क्या कहता है? जो भी हम पैरामीटर यूज कर रहे हैं वो एलिमिनेट हो जाए, जो एक क्वेश्चन निकल के आएगी वो एक क्वेश्चन हमारी एनवलप की कहलाएगी। अब तक मैंने आपको जो न्यूमेरिकल सिखाए पार्ट 1 में भी सिखाया, पार्ट 2 में भी प्रेजेंटेशन दिया, एक पैरामीटर को एलिमिनेट करना सिखाया। यदि न्यूमेरिकल के अंदर 2 पैरामीटर आ जाए तो उसको किस तरीके से एलिमिनेट करते हैं उसकी वीडियो, उसके भी बारे में आपको जानकारी मैं देने जा रहा हूँ। देखते हैं हर चीज, जो भी आपके इस तरीके की रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं या बनने की पॉसिबिलिटी होगी वो सारे प्रेजेंटेशन में अपनी वीडियो में जरूर शेयर करूंगा जी आपको, ठीक है। कोई भी और आपको दिक्कत आ रही है आप मुझे बताइए, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको बताइए, मेरा चैनल कृष्णा स्टडी सेंटर के नाम से बना हुआ, चाहे वहां कमेंट करके लिख दीजिए कि सर कुछ न्यूमेरिकल और प्रेजेंटेशन दे दीजिए, तो मैं उस तरीके की और प्रेजेंटेशन जिस तरीके की आपको प्रॉब्लम आ रही है ठीक है उस तरीके की आप मुझे प्रॉब्लम को बताइए। तो मैं अब एक क्वेश्चन और 2 प्रॉब्लम, 2 पैरामीटर को कैसे एलिमिनेट करा जाता है।
तो ये मेरा दो पैरामीटर क्वेश्चन डिफाइंड द एंगल ऑफ द स्ट्रेट लाइन। एक इक्वेशन हमने बनाई, दो पैरामीटर होंगे तो 100% दो इक्वेशन जरूर दे रखे होंगे, है ना जी। वेयर ए और बी जो है वो आपके क्या है, वो दो पैरामीटर है। वेयर ए एंड बी आर टू पैरामीटर, है ना जी, कनेक्टेड बाय द रिलेशन ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन बराबर सी की पावर, वेयर सी जो है वो एक आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट है, वेयर सी इज। तो दो पैरामीटर को एलिमेट करने के दो तरीके आपके सामने होते हैं। हम जो आपको मेथड सिखा रहे हैं वो बहुत आसान मेथड आपको सिखा रहे हैं। आपको क्या चीज दे रखी है, एक तो इक्वेशन दे रखी है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर, दूसरी क्या इक्वेशन दे रखी है ए की पावर एन बराबर सी की पावर, है ना। तो हमने क्या कहा, ए और बी हमारे क्या है, दो पैरामीटर, ए और बी हमारे दो पैरामीटर है। तो लेट अस एज्यूम दैट ए एंड बी आर द फंक्शन ऑफ, ए और बी हमने टी के फंक्शन मान लिए, वेयर एक्स वाई एंड सी आर कॉस्ट, ये हमारे क्या है, वो एक कॉस्ट है। इक्वेशन नंबर वन को हमने कैसे लिख दिया जी, एक्स अपॉन ए माइनस प्लस वाई, दो सवाल होने के बाद 100% ये मेथड भी आपको जरूर क्लियर हो जाए। आसान चीज है, कोई टिपिकल नहीं है, दो सवाल आप देख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आनी, नया टॉपिक है, पेपर में आने के चांस बहुत ज्यादा है, ध्यान रखना, ठीक है। तो हमने क्या करा, x माइनस वन ए की पावर माइनस टू डी ए ओवर डी टू प्लस वाई माइनस वन बी की पावर माइनस टू डी ए ओवर डी टी बराबर जी, है ना जी। एक साइड हमने माइनस वन कैंसिल कर लो, एक्स अपॉन ए स्क्वायर डी ए ओवर डी टी, ये इसका कुछ रूल है, रूल को मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, न्यूमेरिकल के द्वारा ही समझा पाऊंगा तभी वो समझ में आएगा। तो क्या आया, डी ए ओवर डी टी अपॉन डी बी ओवर डी टी बराबर किसके, माइनस वाई ए स्क्वायर अपॉन एक्स बी स्क्वायर, ये क्वेश्चन नंबर सी। ऐसी हम हमने करा क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए। अब मैंने डिफरेंशियल करा किसका, सेकंड का, फिर किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू टी, वी गेट एन ए की पावर एन माइनस वन डी ए ओवर डी टी प्लस एन बी की पावर एन माइनस वन डी बी ओवर डी टी बराबर जी। तो क्या है, n n तो कैंसिल हो गई, a की पावर n माइनस वन डी ए ओवर डी टी बराबर माइनस b की पावर n माइनस वन डी बी ओवर डी टी, तो डी ए ओवर डी टी अपॉन डी बी ओवर डी टी बराबर माइनस b की पावर n माइनस वन a की पावर n माइनस, ये क्वेश्चन नंबर हमारी, एक और क्वेश्चन कंसीडरेशन कर लिए। इन सवालों में करते क्या है, देखो इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम, इक्वेशन नंबर थर्ड एंड फोर्थ से यदि दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो दोनों की राइट हैंड साइड को सेम कर दो, बराबर कितना, माइनस बी की पावर एन माइनस वन अपॉन ए की पावर एन माइनस, ये है माइनस माइनस एंस, ठीक है। तो हमारा क्या वैल्यू आई हमारे पास, अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, x अपॉन a, a वाली टर्म को एक जगह रखा और b वाली टर्म को y के साथ रखा, b वाली b स्क्वायर प्लस n माइनस। इन सवालों में एक खास बात होती है, वो क्या खास बात है वो सुन लीजिए, y अपॉन
बी की पावर है तो वो ए की पावर है, वाई अपॉन बी की पावर। जैसी पहली क्वेश्चन होती है वो हर सवाल में 100% बनती बनती है। मैंने रूल लगाया आसान करने के लिए, कंपोनेंटो डिपेंडेंटो रूल पढ़ा होगा आपने, ए अपॉन बी सी अपॉन डी, उसी तरीके का एक रूल हमने यहाँ कुछ फॉलो करा न्यूमेरिकल को आसान करने के लिए। मैंने क्या करा, ऊपर दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया। जो काम हमने ऊपर करा वही काम नीचे भी करा, इससे कुछ खास बात हुई। इक्वेशन नंबर वन में इसकी कुछ वैल्यू है और ये इक्वेशन नंबर सेकंड में वैल्यू है। x अपॉन a a की पावर, y अपॉन b b की पावर, ये क्या बनी थी आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट से 1, ये 1 क्या वैल्यू थी 1, और ये क्या वैल्यू थी इक्वेशन नंबर सेकंड से। हमें a और b की वैल्यू निकालनी है तो बड़ा आसान तरीका है, x अपॉन a की पावर n प्लस 1 बराबर 1 अपॉन c की पावर। एक बार इसको बराबर ले लो, एक बार इस चीज को बराबर ले लो, 1 अपॉन c, a की पावर n प्लस 1 किसके बराबर आ गई, c की पावर n, और b की पावर n प्लस 1 बराबर क्या आ गई, c की पावर, a बराबर कितना c की पावर n अपॉन n प्लस 1 1 अपॉन n, और b की वैल्यू क्या आ गई c की पावर n अपॉन n प्लस 1 y की पावर 1 अपॉन। ठीक है जी, a और b आपके निकल गए, a और b की वैल्यू उठा के हम वो उस इक्वेशन में रखते हैं जिसमें हमारी जो है टर्म में x और y नहीं होते, तो वो वैल्यू हमने उठा के किसमें रख दी, इक्वेशन नंबर सेकंड में रख दी। ठीक है, इसी टाइप का इक्वेशन और बनाएंगे तो थोड़ा सा इस चीज को रख कर रहे हैं क्योंकि आगे की चीज हमारी इसी तरीके की बात चलेगी। ये a और b की वैल्यू उठा के हमने कहा रख दी, इक्वेशन नंबर कहा रख दी है ना, इक्वेशन नंबर हमने सेकंड में रखते हैं। सेकंड में क्यों रखते हैं, उस वैल्यू में रखते हैं जिसमें एक्स और वाई ना हो। ठीक है जी, ए और बी को ही हमारा एलिमिनेट करना। इक्वेशन नंबर जब हमने सेकंड में ये वैल्यू रखी तो क्या आया, सुनिए जी, सी की पावर एन अपॉन एन प्लस वन एक्स की पावर वन अपॉन एन प्लस वन की पावर है प्लस बी सी की पावर एन अपॉन एन प्लस वन वाई की पावर वन अपॉन एन प्लस वन बराबर बराबर कितना सी की x की पावर कितनी आ गई n अपॉन n प्लस 1 y की पावर n अपॉन n प्लस 1 ये c की पावर n यहां भी कॉमन आ गई c की पावर n यहां भी कॉमन आ गई इसको इधर ले जाओ n स्क्वायर अपॉन एलसीएम ले लो x की पावर n प्लस 1 y की पावर n अपॉन n प्लस 1 c की पावर n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर अपॉन ये जो इक्वेशन निकल के आई ये हमारी क्या आई एन बलब की इक्वेशन। एन बलब मैंने बताया कि जो पैरामीटर हमारे एनिमेट हो जाएंगे वो इक्वेशन हमारी क्या कहलाएगी, एनिमेट कहलाने के बाद इक्वेशन ऑफ एन बलब कहलाएगी। कोई प्रोसीजर कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से प्रेजेंटेशन में आपको दे रहा हूँ। देखते हैं एक सवाल के द्वारा और बात को क्लियर करते हैं। एक न्यूमेरिकल और आते ही दो पैरामीटर वाले भी सवाल आपको 100% आसान लगने लगे। अब मैंने एक क्वेश्चन पहली क्वेश्चन को तो सेम रखा, दूसरी क्वेश्चन में चेंज कर दिया थोड़ा सा, आपको ये करना है क्या कर दिया, ए की पावर बी की पावर बराबर सी की पावर एन प्लस एन, मैंने एक क्वेश्चन और बना दिया, क्वेश्चन नंबर ये हो गया। ठीक है, अब पहली क्वेश्चन एज इट इज है तो यहां तक का प्रोसीजर एज इट इज चलेगा जी, क्वेश्चन नंबर थर्ड तक का प्रोसीजर एज इट इज चलेगा। पहला काम आपने टोटली नोट कर लिया होगा, अब मैं आगे की बात पूरी पूरी तरीके से आपको रब कर देता हूं और आपको 100% मेथड इतना आसान लगेगा कि आप खुद कहोगे सर बिल्कुल ए टू जेड बात क्लियर होगी। बस वीडियो को पूरी देखिए, उसके बाद आप चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिए, अच्छा लग रहा है तो जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड सर्किल में जरूर बताइए कि सर पूर्ण रूप से अच्छी तरीके से प्रेजेंटेशन हमें दे रहे हैं। ठीक है जी, ना वो बुक फॉलो कर रहे ना कुछ बात कर रहे और सिर्फ आपको अब प्रेजेंटेशन एक अलग तरीके से प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। अब मेरी बात बिल्कुल 100% समझ आ जाएगी। अब जो एक क्वेश्चन नंबर सेकंड थी वो यहाँ से मिटा दे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है
वो चेंज हो गई, कौन सी हो गई, ए की पावर एन बी की पावर एन बराबर सी की पावर एन। देखो जी ये क्वेश्चन जो की तो यहाँ आ गई और जो यहाँ था वो चीज था। अब मैंने क्या करा जी, इसका फिर पार्शियल डिफरेंशियल करा, किसके रेस्पेक्ट में, पार्शियल नहीं सॉरी डिफरेंशियल करा, किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू टी। तो इसका डिफरेंशियल होगा फर्स्ट सेकंड मार्क के डी ए ओवर डी प्लस एन, क्योंकि मैंने कहा है कि ए और बी फंक्शन है टी के, तो टी के रेस्पेक्ट में हम इसका डिफरेंशियल कर रहे हैं। तो क्या आया एन ए की पावर है बी की पावर एन माइनस डी बी ओवर डी बराबर जीरो। तो क्या आया कि हमारे पास इक्वेशन को एक साइड देगा। चलो जी पहले एक काम कर ले आसानी से, पहले इस टर्म को इधर ले ले, ए की पावर है बी की पावर है क्लियर। अब यहाँ पे क्या आ गया डी बी ओवर, इसको भी एक साइड लिख दिया डी ओवर डी टी और डी बी ओवर माइनस, ठीक है जी। कितना एन ए की पावर एन बी की पावर एन माइनस अपॉन एन ए की पावर एन माइनस बी की पावर, तो डी ए ओवर डी टी अपॉन डी बी ओवर बी बराबर माइनस, है ना जी एन। जो भी टॉपिक आपके छोटे मोटे टॉपिक है उनको भी पूरी पूरी वीडियो को शेयर कर रहे हैं, जो आसान है वो सारी चीज प्रेजेंटेशन आपको दे रहे हैं, जिससे आप एग्जाम में जो कठिन भी है वो भी आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, मैं आपको वो वीडियो, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7830272445, ठीक है जी। तो क्या आया कि हमारे पास बी की पावर एन ऊपर ए अपॉन कितना एम अपॉन, ये क्वेश्चन नंबर हमारी क्या आ गई, क्वेश्चन नंबर 4। इन सवालों में देखो लेफ्ट हैंड साइड हमेशा सेम आई, तो इक्वेशन नंबर थर्ड एंड फोर्थ से दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो दोनों की राइट हैंड साइड को हमने सेम कर दिया, माइनस लिखता एन ए अपॉन एम बी, कुछ कैंसिल हो गया बी से बी कैंसिल हो गया ए से ए माइनस से माइनस एक्स अपॉन ए वाई अपॉन कितना। मैंने आपको बताया इन सवालों में एक खास बात जरूर होती है, जैसी ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 होती है वो 100% बनती है, जो रूल ऊपर फॉलो करोगे वही रूल नीचे भी फॉलो करोगे अपॉन एम प्लस एम। तो ये क्या आ गया, ये वैल्यू क्वेश्चन नंबर 1 में थी, क्या थी सेकंड, बने ना बने लेकिन ये जरूर बनेगी एक्स अपॉन ए एम y अपॉन बी एम बराबर कितना वन अपॉन एम प्लस, ठीक है जी। एक एक बात समझिए, ध्यान से समझिए, एक एक चीज आपको समझाई जा रही। अब क्या करते हैं, एक बार इन दोनों को बराबर कर दीजिए, तो x अपॉन ए एम बराबर किसके वन अपॉन एम, y अपॉन बी एम किसके बराबर वन अपॉन, तो a की वैल्यू क्या आ गई, ए की वैल्यू आ गई x अपॉन एम प्लस एन अपॉन एम, बी की वैल्यू क्या आ गई y अपॉन एम प्लस एन अपॉन एम। ए और b की वैल्यू उठा के मैंने बताया कौन सी क्वेश्चन में रख देते हैं, इस क्वेश्चन नंबर सेकंड में रख देते हैं। हम कोई भी चीज आपको प्रेजेंटेशन हो रहे हैं वहां एक एक पैरामीटर के आप वीडियो देखिए, मैं यहाँ आपको पूर्ण रूप से हर तरीके से क्वेश्चन को प्रेजेंट कर रहा हूँ, जो आने की संभावना है जी वो सारी चीज आपको प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ बिल्कुल तरीके से, ठीक है। ये वैल्यू ए की वैल्यू किस में रख दी, क्वेश्चन नंबर किस में रख दी, सेकंड में रख दी। ए कितना था, ए था एक्स अपॉन एम प्लस एन अपॉन एम की पावर, वाई कितना था वाई एम प्लस अपॉन एन की पावर है बराबर सी की पावर एन। तो एक्स की पावर तो एम आ गई यहां से, वाई की पावर एन आ गई, एम प्लस एन पावर एन हो जाती है, एम प्लस एन की पावर एम प्लस एन, सी की पावर एम प्लस एन, एम की पावर एम और एन की पावर।
तो दो पैरामीटर के क्वेश्चन भी आपको मैंने प्रेजेंटेशन दे दिया, आपका ये आंसर आ गया। जो इक्वेशन कहलाएगी वो हमारी इक्वेशन क्या कहलाएगी, एनवलप की इक्वेशन कहलाएगी। कोई चीज नहीं छोड़ी जा रही, सब तरीके की बातों को प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा रहा। उसके बाद भी यदि कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है तो हम उसको आपको बताएंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसी का शुरू करेंगे, इवोल्यूट्स एनवलप एंड इवोल्यूट्स क्या होते हैं उनमें आपको बताया जाएगा, इवोल्यूट्स कैसे निकाले जाते हैं। प्रोसीजर काफी हद तक सेम है, मैं बार बार बता रहा हूँ, एनवलप जरूर पढ़ लीजिए तभी इवोल्यूट समझ में आएंगे आपको। वो कहते हैं इवोल्यूट्स निकालने में भी यही प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे, पैरामीटर को गायब करेंगे, देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है तो बी स्क्वायर बराबर 4ac से लगाएंगे। सिंपल बात है, तो सिंपल तरीके से जैसा हम यहाँ कर रहे हैं तो वहां एक पैरामीटर ही चलेगा, पार्ट नंबर 1 से काफी रिलेटेड चलेगा। नेक्स्ट पार्ट में हम आपको इवोल्यूट के बारे में जानकारी देंगे। थैंक यू वेरी मच।